जिस समय विक्रम को जल्लाद पकड़ कर ले जा रहे हैं, सुनना फौजी साहब। हाँ कोई बात ना, अब गए रागनी पे निकल जाएगी गाड़ी, पक्की बात है। हाँ जिस समय जल्लाद भरतरी के भाई विक्रम को पकड़ के सजाए मौत देने के लिए ले जा रहे होते हैं, आखिर में अपनी खूब सफाई पेश करता है वो विक्रम। कहता है कि मेरे बड़े भाई, मैंने आज तक कोई ऐसा गुनाह नहीं किया, आपके बारे में मैंने कभी सपने में भी बुरा नहीं सोचा, लेकिन आज आप बिना वजह मुझे झूठे इल्जाम में आप मुझे मौत की सजा सुना दी। अपने सगे भाई को आज आपने अपने सगे भाई पर भी विश्वास नहीं किया, तो छोटा भाई विक्रम अपने बड़े भाई भरतरी से आखिर बात में विलाप करते हुए क्या कहता है इस रागनी के माध्यम से, मैं विक्रम और भाई ब्रजेश मेरा बड़ा भाई भरतरी के रूप में किस प्रकार से, आइए भाई ब्रजेश। और दे धानी रे किसान, यही तो खूबी है मेरे ब्रजेश की। तने माँ का जाया झूठा समझा वच्छरे भरतरी, ये विक्रम की बात है। अच्छा हाँ, मुझे भरतरी बना रहा है। हाँ आ जाता, क्योंकि ज्यादा तकड़ी बात तो भरतरी की है और बड़ी बात है भरतरी की, तो विक्रम तो छोटा है। मैं नीचे उतरे जाता हूँ, क्योंकि सिंहासन के मालिक तो आप ही हो महाराज। ना ना, सिंहासन का मालिक तो तू है भाई। नहीं, तेना भी जाहिर कर दी ना, सुन ले। हाँ यह बात का सवाल मुझसे बाद में कर लिए, बाद में कर लूं। आप मेरे बड़े भाई हैं, आप इस राज दरबार के मालिक हैं, तो मेरी माँ पाटम दे हाँ मुझे बचपन में छोड़ करके चली गई थी, भाभी और भैया की शरण में रह करके मेरा लालन पालन हुआ है। मैं आपको तो अपने माँ बाप के बराबर समझता हूँ, लेकिन आपने मुझे एक ऐसे झूठे गुनाह में फंसा करके जो सजाए मौत का हुक्म दिया है। अच्छा हाँ, ये मेरे बात हजम नहीं होती। नीच आदमी है, इतना ज्यादा, इतना बड़ा नीच है और इसका कोई जवाब नहीं। कोई बात नहीं हाँ। आपका किरदार में रहते हुए कहना जायज है, लेकिन मेरे भैया भरतरी अगर आज आपसे ये मुझे भैया मत कह। अच्छा हाँ, मेरी आंखों के आगे से निकल जा। बिल्कुल निकल जाऊंगा, इतना कमीन आदमी, इतना टुच्चा आदमी है तू। सुनो, जीवन में कभी मेरे पास फोन भी मत करी। बहुत बढ़िया। एक बात और है, ये किरदार में कह रहा है भरतरी जो है विक्रम को नीच बता रहा है, कोई बात नहीं, लेकिन मेरे भाई भरतरी एक बात और सुन ले। हाँ, कहीं तेरे तेरे दिमाग से कोई भूल हो जा। और कोई बात ना, मैं मरूंगा ना जिस दिन, हाँ? उस दिन तुझे याद करूंगा, कोई बात ना। पक्की बात है? पक्की बात। लेकिन मेरी बात सुन ले। हाँ? कोई नीच कर्म तेरे माध्यम से ना हो जा। मेरे मैं नीच कर्म करते ही ना। अच्छा पक्की बात? पक्की बात है। तो कोई बात नहीं, हंसने की बात अलग है, किरदार की सोचना, किरदार में क्या हो रहा है। किरदार में ये सुनो सचिन, किरदार में ये छोटे भाई विक्रम आज अच्छा दोनों का प्राण निकट जा, पांच काले तब जाओ सुनो, पार कर दो बाजे ने, आओ मर जाएगा नीचे। कोई बात ना, कोई बात ना, पांच में काले तब जाओ, बजा ले भाई। अरे तने माँ का जाया रे झूठा समझा, अच्छा और मानी बात लुगाई की। ये लुगाई की? हाँ। ये पता है कितनी पतिव्रता है? हाँ। बाहर लिकड़ मन नहीं जरूरत तेरे जैसे भाई की, बाहर लिकड़ मन नहीं जरूरत तेरे जैसे भाई की। तने माँ का जाया झूठा समझा और मानी बात लुगाई की, बाहर लिकड़ मन नहीं जरूरत तेरे जैसे भाई की, बाहर लिकड़ मन नहीं जरूरत तेरे जैसे भाई की। महाराज इसे बाहर निकाल दो सभा से, चल चल चल, मैं इसकी शक्ल नहीं देखना चाहती।
हाँ, मैंने आज तक ऐसा कोई पाप नहीं किया तेने जिससे आपके मान सम्मान को क्षति पहुंचे। तेने दासी बांदी बिना छोड़ी देखी बिचारे। सुन यू बांदी बिना छोड़ी तेने दे यू पहरेदार देवा को क्या हाल कर रखो तेने वा के धौले बाल कर दिए तेने। सुन ले मर्यादा में रहे शब्दों की मर्यादा में प्यारे आइए मेरे चट्टा साहब। भरे दरबार के बीच से तू मुझे धक्के दे के मेरी बेइज्जती करके मेरी आँखें आगे तो चले जा मने जहर दिखाई दे से और माँ का जाया भाई को न्या मने जहर दिखाई दे से। अच्छा? चला जा नीच यहाँ सू। अच्छा कोई बात नहीं तू मेरी खूब बेइज्जती कर रहा है भरे दरबार से मुझे धक्के पहुंच तो सिकंदराबाद जब करूंगा बेइज्जती। अच्छा तू मुझे धक्के दे के भी ताड़ रहा है। हाँ लेकिन भाई मेरी बात सुन ले तेरी गाड़ी में मैं न जाऊं अब तो। अच्छा कभी तो पे रो दूं मैं रास्ता में। कोई बात नहीं हंसे मत ना बात घने गमगीन बात चल रही है। गमगीन मूंड बदल के मूंड बना के आ जा मूंड में ही आ जाऊं। ठीक है पक्का सुन कोई बात ना मैं तो शिवानी के यहां रुक जाऊं कोई बात ना। अच्छा हां अब तू भी निकल तो इस दरबार से मैं रहा हूं सहारा तू लेवेगा गांव में भटकता हुआ। अरे ऐसी बात ना कोई बात नहीं मेरे साथ चलना प्यारे पर बात सुन ले किरदार मेरे। तू तो बहुत नीच आदमी है तने अपनी भाभी देखे बेचारी महाराज देखे कैसे कैसे खरोच निकाल दो इसे मेरी आंखों के आगे से मैं जहर कालू की महाराज। देख बंदूक को निशाना तलक बिना निमटे के ऐसी बंदूक मारी तने महाराज इस पापी को भगाओ यहाँ से। आप इसे भगाते हो कि मैं सभा से जाऊं उठ के। ना 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 तू मत करे कुछ भी आ जा इसे निकालो वरना मैं जा रही हूँ। या तो काट दूंगा मैं। आई कह दे अपनी बात जो कुछ पक्की बात। हाँ सुन एक मिनट सुन ये जो पिंगला रानी जैसा फैल भर के इस भरे दरबार इन दरबारियों के सामने जो फैल रच के एक झूठा जाल रच के मुझे बिना वजह के आरोप में फंसाया जा रहा है यू झूठी है तू सच्चा है महाराज ये गवा झूठे महाराज महाराज ये गवा झूठे ये आपके सामने इतना क्यों बोल रहा है आप महाराजों की ये महाराज है ना महाराज तो आज भी बन रहो ना नहीं दे कैसे कैसे बोल जाएगा बताओ ना महाराजा भी ना कहिए ना महाराज तो मैं ही हूँ। हाँ राजा की कोई इज्जत नहीं है इसकी नजरों में ना ना या बताओ या वार्तालाप करने को दे दी ना मैंने। अच्छा तो यू ही आज की डेट से महाराज तो यू ही आज की सुनिए निकट जा। अरे मेरी बात सुन ले भरतरी सुन छोटा भाई हूँ आधे दरबार का इस आधे विरासत का तेरे का मालिक हूँ लेकिन सुना मैं सुन ले बात और तू जो ये ऐसी बात कर रहा ना अहंकार और घमंड की तू मुझे धक्का दे के तार रहा है। मैं छोटा भाई बेशक हूँ लेकिन मैं तेरी मान मर्यादा रखता हूँ तेरा सम्मान करता हूँ अपने पिता के समान समझता हूँ। मेरी माँ पाटम दे मुझे बचपन में ही छोड़ के चली गई थी। ओ पहरेदार भैया धक्का दे के बार करिया धक्का दे बार करिया भैया और भाभी की शरण में रह करके मेरा लालन पालन हुआ है। अच्छा मैं आपको अपने पिता के समान भाभी को माँ के समान समझता हूँ लेकिन मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा कि ये भाभी ऐसा खोटा कर्म और ऐसा नीच कर्म मेरे ऊपर झूठा आरोप लगा करके मुझे फंसाएगी। और सुनिए राजा भरतरी
आप अपने कहते अपनी बात। आज तुमने अपने सगे माँ के जाए भाई पर विश्वास नहीं किया, दुनिया में तुम भी भटकते डोलोगे, जिंदगी में सुकून नहीं मिलेगा। पापी आदमी अगर आज तेरे हाथों से ये नीच कर्म होगा तो जिंदगी में तू अपने आपे को कभी माफ नहीं करेगा। मेरी बात सुन ले, तीसरी गली की माता से दूसरी गली सुन ले। अच्छा हाँ, तेरी नजर में है ये बातें? मेरी नजर में नहीं, सबके नजर में है, क्योंकि झूठी बातें तेरे जहन में उतार करके तुझे ये बताया गया है। लेकिन अगर जब तुम सच्चाई से अवगत हो गए महाराज, अच्छा मेरे बड़े भाई भरतरी महाराजा, लेकिन तुम्हें जब सच्चाई का ज्ञान होगा तो बड़ा पछतावा अपने इस छोटे भाई के कत्ल पे हो जाएगा। इसलिए थोड़ा धैर्य रखिए, अपने छोटे भाई की इस विक्रम की बात पर विश्वास कीजिए। मैंने कोई ऐसा खोटा काम नहीं किया है जिससे आपके मान सम्मान को क्षति पहुंचे। कहते अपनी बात, लेकिन आप भी अहंकार में फिलों में बोल रहे हो। कोई बात नहीं, कोई बात ना, सुन शुरू से आ जा। शुरू से आ रहा हूँ। हाँ। उसी स्केल में रहना। हाँ, हाँ, उसी में रहूंगा। ठीक है। कदे छिपाए तैना छिपती, कदे छिपाए तैना छिपती, निखरे बात सच्चाई की, और दुनिया के मैं उतरे पाछे ना चरपी बात हवाई की। माता जाया झूठा समझा और मानी बात लुगाई की, बाहर लिखड़ मन नहीं जरूरत तेरे जैसे भाई की। मैंने आपको हमेशा अपने पिता समान समझा है। बिल्कुल। और आप यार ऐसे, मैंने भी तुझे बड़ा भाई माना। बड़ा का छोटा हूं मैं, और बताऊं, बड़ा तो हूं मैं उम्र में, लेकिन बड़ा तू माना मैंने। अच्छा। लेकिन तूने मेरी सभा के बीच में कैसी आब उतारी, क्या वो मुझे सब याद है। ठीक है, मैंने कुछ नहीं करा महाराज, रोल में रहो, मैंने करो पिछली रागनी है, भूल जा अगली गया मर रहे। नहीं अभी पिछली में घूम रहा पिंगला रानी। देख महाराज जल्दी फैसला करिए, मुझे स्नान के लिए जाना है। देख मेरी मुझे तैयार होना है, आपका आसन लगाना है महाराज। पिंगला से बात कर ले घबरा पीछे महाराजा की राजा की। इसका इतना लंबा फैसला नहीं है, इसको जल्दी से निकालो, खत्म करो, और भी बहुत काम है महाराज। इसके लिए नए कुर्ते बनवाए मैंने, एक काले कलर का बनवाए, एक ही बनवाया। महाराज निकालो ना अपनी पिंगला पर ध्यान दो ना, इसे निकालो दरबार से। देख रहा कितने कैसे वचन बोल रही है रानी। ठीक है, मेरी बात सुन ले, सुन ले आगे। हो गया यू घर बार तेरा, तू मेरी नजर में
तेरे सुपरद करदी कर ले, तेरे सुपरद करदी कर ले, बात याद उस माई की। भाई कोन्या भाई कोन्या दुश्मन बन जा, रहेगी बात समाई की। माँ का जाया झूठा समझा, मानी बात लुगाई की। बाहर निकलने नहीं जरूरत, तेरे जैसे भाई की। तेरी सब बात ठीक, तेरे फैसले का मैं भी स्वागत करता हूँ। बड़े भाई के सामने विनय निवेदन कर रहा हूँ, लेकिन अगर बड़ा भाई मानने को तैयार नहीं है, तुम इस राजपाट इस नगरी के राजा महाराजा हो और प्रजा में आपसे इंसाफ करते हो, अगर तुम्हें यही मंजूर है कि विक्रम को सजाए मौत देनी है। सजाए मौत तेरी आंख निकाड़ के और कुचलवानी है 18 ते। महाराज मेरे लिए लाइए ना, मैं उसे अपने नक का हार बनवाऊंगी। हाँ बेटी चिंता मत करे तू। अब देख लो इसे, महाराज जी कितना ओवर कॉन्फिडेंस में अपनी रानी से बेटी कह रहा। अरे ये कहीं इससे ये प्यार मोहब्बत की बात है, ये प्यार मोहब्बत। भर्तरी बाबू जल्दी निपटाओ ना इसे। गलत कह गए महाराज। बेटी नहीं देवी कह रहा, बेबी कह रहा, बेबी ये तो देवी है। चलो अब तो तुम प्रियावाची शब्द कहीं बना सकोगे। है ना, कोई बात नहीं, आखिरी कली के माध्यम से लोगो सुन लेना। महाराज हमको शिकार पे जाना था, आप इसके चक्कर में क्यों पागल हो रहे हो? एक कटोरा खून भी चाहिए था ना। हाँ लाओ एक कटोरा खून इसका। इसकी आंखें निकलवाने में हार में चढ़वाऊंगी। हाँ ओ जल्लाद, या को एक कटोरा खून और इसकी दोनों आंखें अपनी एडी से ऐसे ऐसे। हाँ महाराज, खून और आंखों के अलावा सौदा और भी है। ना ना तेरो वो सौदा ना चाहिए, अपने अपने धुर राखिए वो सौदा। अच्छा हाँ, आंखों आगे से चला जाऊं? मत ज्यादा बकवाद करें। जिस रानी पिंगला की तू बातों में आकर के मुझे झूठा आरोप लगा रही है, हाँ मुझे फंसा रही है। लोगों कारण भी जानना, ये जो पिंगला रानी है हमारे महल के एक दरबान से, अगर मैं अपनी बिगड़ी भाषा के शब्दों में कहूं तो हमारे दरबार नहीं, हमारे इस भरे दरबार के दरबान से इसका मोह हो जाता है। महाराज मेरी इज्जत चल रहा है महाराज। महाराज मैं मर जाऊंगी महाराज। सुन यो कुछ भी ना करे महाराज, इसे बचा लो नहीं इसकी आंखें मैं यही निकाल लूंगी। दादरी चलेंगे या दादरी में देखेंगे? मैं कह रही हूँ बाईपास पार ना करन दू। हाँ चिंता मत करे तू। ऐसा बताते हैं कि जब विक्रम शिकार या खेल कूद करके जब महल में आता है तो देखता है कानों में कोई आवाज आती है, कानों में से आवाज आती है, और जब जहां पिंगला रानी का महल के अंदर स्थान था, जो कमरा था, उस कमरे से महिला के अलावा किसी पुरुष की आवाज आती है तो विक्रम को शक हो जाता है। देखता है कि इस महल का ही एक दरबान, हमारे इस फार्म हाउस का एक सिक्योरिटी गार्ड हमारी रानी साहिबा से सेट तो हो चुका है। घर भी फार्म हाउस बता रहा हूं। हाँ हाँ बुद्धि पलट गई तेरी, बुद्धि भी पलट दूंगी। आ तो इसे चुप करा ले, नहीं बढ़ाऊ तुझे भी राजा में। और ये सुनो, ये अपनी बात को छुपाने के लिए नगर सेठ के घर वाले नगर सेठ को इसने खरीदा पैसे देकर 50,000 रुपए। और नगर सेठ महाराज में नगर सेठ का जो बेटा था, लोगों सुनने लायक बात है, ये आरोप तो लगा रही है लेकिन अपनी बात का जवाब और बचाव मैं अपना आप बता रहा हूँ। नगर सेठ को इसने खरीद लिया, उसके बेटे पे ये कहलवाई गई कि इसने इसकी घरवाली को छेड़ा है, इसके साथ में दुराचार किया है। आरोप एक तो वहां से लगाया ताकि मैं इसकी बुराई ना कर सकूं। सच्चाई तो ये थी कि ये उसी महल के एक किसी दरबान से
ये सेट हो गई। रात रात बीती जो ना दरबार, और इसको मैंने अपने आंखों से देख के पकड़ लिया। अच्छा, और ये मुझ पे आरोप लगा रही है, मुझे फंसाने का काम कर रही है। सुन ले ए राजा, अब तू मेरा भाई नहीं है। अच्छा, तो तैने मुझे मौत का हुक्म दे दिया। तेरी आंखें खोलने के लिए मैं सब बातें बता रहा हूँ। सुन, आखिरी बात में अगर ये बात तैने सुन ली तो तेरे भी प्राण बच सकते हैं, लेकिन ये पिंगला रानी इतनी बड़ी डंकनी है, तुझे भी खा जाएगी। अच्छा, सुन बात। देख लिए तन पिंगला एक दिन दुनिया से बर्बाद। पाले वही होगा रे, इंदर पाले वही होगा, जो इच्छा है रघुराई की। फिर जैसे सोहर का कालू हारे, हो से जीत सच्चाई की। माता जाया झूठा समझा, मानी बात लुगाई की। बाल लिकड़ मने नहीं जरूरत, तेरे जैसे भाई की।